अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रजनी वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 38 फोटॉन्स एंड द मैटरवेव्स प्रॉब्लम 78। वो कहता है करंट ऑफ बीम इलेक्ट्रॉन की जिसकी स्पीड 1.210 इस पर 3 मीटर पर सेकंड है, करंट 9 मिली एम्पीयर का है। वो कहता है एक पॉइंट पे पास में बीम एनकाउंटर करती है एक बैरियर के साथ जिसका वोल्ट में दे दिया -4.719 माइक्रो वोल्ट, थिकनेस 200 नैनोमीटर की है, ट्रांसमिटेड करंट बताओ। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 6.55 × 10⁻²⁵ जूल आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हम डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी पता है। अब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे 4.09 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यू बराबर होता है -ईवी के, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो यू भी पता लग गया। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की कहानी की बात करें तो ई की पावर -2L के होता है, इसे इस तौर पर लिखा जा सकता है -2L के की वैल्यू प्लेस कर दी। अब हमें यू भी पता है, ई भी पता है, एल भी पता है, सारी वैल्यूज प्लेस कर दी, इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये 0.1993 आ जाएगा। तो हम अज्यूम करेंगे कि जितनी इंसिडेंट बीम इलेक्ट्रॉन है वो पोटेंशियल स्टेप पे जो करंट बना रही है वो 9 मिली एम्पीयर का, तो 9 के साथ टी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.794 मिली एम्पीयर का करंट वहां से ट्रांसमिट हो रहा होगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, पक्की इंशाल्लाह नेक्स्ट